हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैली डिजिटल क्लास। दोस्तों, आज का इस वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है बीकॉम सेम फाइव कॉस्ट अकाउंटिंग का। जो हमारा लेक्चर था वो मैंने अपलोड किया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा इसके पहले तो प्लीज़ देख लीजिए। आज का इस टॉपिक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर नंबर 3 प्रक्रियानु विश्लेषण, ये हमारा चैप्टर का नाम है। इसके बारे में आज वीडियो के स्टार्टिंग सबसे शुरुआत से हम कर रहे हैं। अगर आप शुरुआत से देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे बेल आइकन को। इसके पहले मैंने बीकॉम सेम फाइव के स्टैटिस्टिक्स और कॉस्ट अकाउंटिंग की वीडियो अपलोड किए हुए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके कमेंट का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बीकॉम सेम फाइव को ये चैप्टर है, सब्जेक्ट है हमारा बीकॉम सेम फाइव का मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। ये चैप्टर नंबर 3 है। वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ कि अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दो चीज़ें आनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले है कि आपको बैलेंस शीट पाको सर्वयू जो है वो आपको आना चाहिए, और इसके अलावा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको आना चाहिए, नफा नुकसान खातों आपको आना चाहिए। कौन सी अमाउंट कहाँ पर लिखनी, कौन सा फॉर्मेट कैसा बनता है वो आपको कंपलसरी आना जरूरी है, तब आप इजीली आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग को पार कर सकते हैं। और इसके अलावा इस चैप्टर में थोड़े बहुत जो सूत्र है जो 11-12 में आया करते थे वही सम यहाँ पर दिए हुए हैं। और ये बैलेंस शीट जो है पाको सर्वे ये नफा नुकसान खातों ये भी आप 11-12 से अगर पढ़ते आ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत तो आपको समझ में हो गया, फिर भी मैं आपके यहाँ पर रिविज़न करवा देता हूँ। पाको सर्वयू बैलेंस शीट जो है उसमें हमें 11-12 में हम क्या करते थे कि हम आड़ा मतलब 2019 जो फर्स्ट बैलेंस शीट थी उसके हिसाब से हम बनाते थे, लेकिन 2013 का जो अपडेट आया है बैलेंस शीट में वो 2013 का टेबल हिसाब से हमने ये बनाया हुआ है बैलेंस शीट। तो सबसे पहले यहाँ पर विगत और रकम आती है, इसमें रोकाइली मुड़ी। सबसे पहले यहाँ पर हम पहले क्या लिखते थे, मिल्कत और लेना यहाँ पर लिखते थे, इसके बदले हम यहाँ पर नाम लिख देंगे रोकाइली मुड़ी। रोकाइली मुड़ी में कौन कौन सी चीज़ों का समावेश होता है, शेयर होल्डरों और मालिक ना भंडोरों, इक्विटी शेयर मुड़ी, प्रेफरेंस शेयर मुड़ी, अनामत ना भंडोरों और नफा नुकसान खातों की कौन सी बाकी जमा बाकी। इसके बाद हमारा आता है लांबा गाड़ानी लोन में कौन कौन सी चीज़ें आती है, डिबेंचर और अन्य लोन। जो एक साल से ज़्यादा की लोन होती है वो हमारी लांबा गाड़ानी लोन कहलाती है। ये हमारा क्या हो गया, कुल रोकाइली मुड़ी। इसके बाद ये दूसरा है हमारा, यहाँ पर हम पहले क्या लिखते थे, मुड़ी यानी देवा हम यहाँ पर लिखते थे। तो सॉरी, यहाँ पर आप लिखते थे मिलकत लेना और ऊपर आप लिखते थे मुड़ी देवा और नीचे लिखते थे मिलकत लेना। नीचे हमारी सारी मिलकत आती है, तो हम यहाँ पर अब नाम चेंज हो चुका है दोस्तों, मुड़ी ने रोकान। यहाँ पर क्या आता है, कायमी मिलकत सबसे फर्स्ट आती है, कायमी मिलकत में क्या होता है, जमीन मकान यंत्रों औजारों फर्नीचर फिक्स्चर्स, फिर किसी गाड़ी खरीदी हो, वाहन हो हमारा, वो हमारा कायमी मिलकत में आता है। और रोकाणों अगर लांबा गाड़ा का है तो वो आता है चालू मिलकत और चालू देवा। तो ये हमारी क्या मिलती है, चौखी कार्यशील मुड़ी मिलती है। इसमें से हमें अवास्तविक मिलकतों को माइनस करनी होती है और हमारा लास्ट में ये फाइनल आंसर हमारा यहाँ पर आ जाता है। अवास्तविक मिलकत हमारी कौन कौन सी है, तो देख लीजिए, अवास्तविक मिलकत में शेयर वटाव, डिबेंचर वटाव, जाहिरत वटाव खर्च, बांधेरी कमीशन, प्राथमिक खर्चा, स्थापना खर्च, संशोधन खर्च अने विकास खर्च, ये कुछ चीज़ें हमारी आती है। इसके अलावा आपको एक प्रॉफिट एंड लेस
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आना काफ़ी ज़रूरी है, तो हम उसके बारे में भी छोटी बड़ी डिस्कस कर लेते हैं। नफा नुकसान खातों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सबसे पहले विगत रकम, रकम ये भी हमारा 2013 के हिसाब से फॉर्मेट बनेगा। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पर ऊपर आएगा वेचाण, वेचाण उसमें से माइनस क्या होगा, वेचल मालनी पड़तर माइनस होगा, और उसमें शुरुआत नो स्टॉक खरीदी खरीदना, वेचल मालनी पड़तर में, वेचल मालनी पड़तर में क्या क्या समावेश होता है, शुरुआत नो स्टॉक खरीदी खरीदना खर्चा और आखिर स्टॉक, ये तीनों का हम यहाँ पर प्लस करेंगे और वेचाण में से इसको हम यहाँ से इसे माइनस कर देंगे, तो हमारा जो है काचो नफा हमें मिल जाएगा। इसके बाद वही वटी खर्चा ये भी हमें माइनस करना है, और माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ब्याज अने कर वेरा पहलानो चोखो नफो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद ब्याज हमें माइनस करना है, कर वेरानो पहलानो नफो और कर वेरा 50%, ये हमें यहाँ पर इसको माइनस करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, कर बाद नो चोखो नफो। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, ये भी हमारा एक देवा है, तो हम भी इसको माइनस कर देंगे, और वहचनी पात्र नफो, ये हमारा लास्ट में जो आंसर आएगा वो हमारा वहचनी पात्र नफो मिल जाएगा। इसको काचो नफो का, काचो नफो अगर हमें ढूंढना है तो उसका सूत्र कौन सा अप्लाई होगा, काचा नफा ना गुणोत्तर, कर विरा पहलानो नफो हमें ढूंढना है तो उस पर क्या होगा, रोकाइली मोड़ी पर वर्तनो दर, अगर चोखा नफा हो, कर बाद में चोखो नफो अगर हमें ढूंढना है तो उसका कौन सा गुणोत्तर, चोखा नफा ना गुणोत्तर, और वहचनी पात्र नफो उसका शेयर डीड कमाणी डिविडेंड दर। अब यहाँ पर एक नोट है जो आपको ध्यान में रखनी है कि संचालन गुणोत्तर अथवा संचालन खर्च गुणोत्तर वक्त संचालन खर्चा शोधवा माटे वहीवटी खर्चा प्लस ब्याज ध्यान में लेव, मतलब दोनों का हमें यहाँ पर प्लस करना है, गुणोत्तर संचालन गुणोत्तर और संचालन खर्च गुणोत्तर वक्त संचालन खर्चा शोधवा, ये दोनों का, ये दो सूत्र का नाम है संचालन गुणोत्तर और संचालन खर्च गुणोत्तर, दोनों अलग अलग है, अगर जब हम ढूंढते हैं तो उसमें संचालन खर्च हम जो ऐड करते हैं उसमें वहीवटी खर्चा और ब्याज दोनों को हमें प्लस करना है। दोस्तों ये छोटा वीडियो था आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए, ये दो आपको का आना बहुत ही ज़रूरी है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको आना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हमने देख लिया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होती है। इसके बाद आने वाले वीडियो में मैं चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाला हूँ, तो जल्दी से जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।